भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95(1) में डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि संसद सत्र में विपक्ष की तरफ से बार बार डेप्यूटी स्पीकर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि आखिर विपक्ष के लिए डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका इतनी अहम और खास क्यों हो जाती है। तो आपको बता दें कि 1990 से लेकर 2014 तक ये पद कभी भी खाली नहीं रहा, और इतना ही नहीं, ये पद लगातार विपक्ष के पास ही रहा है। कहा यह भी जाता है कि जब स्पीकर की मौजूदगी ना हो उस जगह वो तमाम अधिकार जो स्पीकर के होते हैं वो डिप्टी स्पीकर को दिए जाते हैं और वो ही सदन का संचालन करते हैं। अब आई बात इनके चुनाव को लेकर, तो आपको बता दें कि पहले इनका नॉमिनेशन कराया जाता है और नॉमिनेशन के तहत ही इनका चुनाव भी होता है। डिप्टी स्पीकर नॉमिनेशन के बाद इनका चयन करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ अन्य नियमों की जानकारी आपको दें तो सबसे पहले सदन की जब शुरुआत होती है नए सदन की, राज्यसभा और लोकसभा की, उसी दौरान डिप्टी स्पीकर का भी चयन किया जाता है, उसका नाम सामने रखा जाता है और उसके बाद ये चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर वो राज्यसभा लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं रहता है, अगर उसकी सदस्यता जाती है तो वो स्पीकर के पद पर भी नहीं रहेगा, इसकी भी जानकारी नियम के अनुसार दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष लंबे वक्त से इसकी डिमांड कर रहा है, क्योंकि पिछली 17वीं लोकसभा सत्र में भी डिप्टी स्पीकर की भूमिका नहीं रखी गई थी और इस बार भी अब तक डिप्टी स्पीकर के नाम पर मोहर नहीं लगी है। ऐसे में विपक्ष की संख्या इस बार ज्यादा है, उनके संख्या बल में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका भी एक प्रतिनिधि स्पीकर वहां पर हो, यानी कि डिप्टी स्पीकर वहां पर नियुक्त किया जाए जो कि विपक्ष की तरफ से हो। अगर पिछले वक्त की बात करें तो लंबे वक्त से डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष के लोग ही रहे हैं। पहले चरणजीत सिंह अटवाल और करिया मुंडा भी डिप्टी स्पीकर के पद पर रह चुके हैं, साथ ही साथ मल्लिका अर्जुन भी। अब ऐसे में विपक्ष बार बार इसी की डिमांड कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर के पद को नियुक्त किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला कब तक सुलझता है। हालांकि आर्टिकल 94 के तहत अगर इसमें देरी भी की जाए तो इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और शायद यही वजह है कि इसे टाला जा रहा है, क्योंकि नए सदन की शुरुआत के साथ ही डिप्टी स्पीकर की भी नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन विपक्ष इस विवाद को थमने नहीं दे रहा, लगातार इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि हम स्पीकर का साथ तभी देंगे जब उनकी तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाए जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि ये मामला कब तक सुलझता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और डिप्टी स्पीकर को लेकर आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा।